नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप किसी भी ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय की राशन कार्ड सूची कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल 2 मिनट में आसानी से। आपके ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में कितने राशन कार्ड हैं तथा उसमें कितने सदस्य के नाम जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप ये भी पता कर सकते हैं। और इसमें किसी भी सदस्य का नाम आप इसमें चेक करके जुड़वा भी सकते हैं। आपको बता दें कि जो BPL कार्ड धारक हैं उनको तो राशन मिलता ही है, लेकिन साथ में SC ST दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो पात्र हितग्राही होते हैं उनको भी राशन मिलता है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम राशन कार्ड की सूची निकाल कर बताते हैं। आपको ब्राउजर में आ जाना है, आने के बाद टाइप करना है राशन मित्र। तो चलिए टाइप कर देते हैं राशन मित्र। टाइप करने के बाद हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज इस तरह का दिखाई देगा। आप यहां सामने देख सकते हैं कि लिखा हुआ है M राशन मित्र, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज इस तरह का दिखाई देगा। आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा वर्तमान लाभार्थी परिवार, राशन कार्ड धारक परिवार संबंधी जानकारी। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर लिखा है वर्तमान लाभार्थी परिवार, राशन कार्ड धारक परिवार, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई सरकारी योजना की कोई जानकारी आप तक पहुंच सके। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां लिखा है जिला, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी जिला हो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें स्थानीय निकाय सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत। तो दोस्तों अगर आप ग्राम से हैं तो आप अपनी जनपद पंचायत को सिलेक्ट कर लें। अगर आप नगरीय निकाय से हैं तो आपको अपनी नगर पालिका या फिर नगर परिषद या फिर नगर निगम को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी पंचायत से हैं तो आपको अपनी जनपद पंचायत सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें ये कैप्चा डाल देना है। डालने के बाद नीचे लिखा है देखें, तो इस पर क्लिक करना है। चलिए हम डाल देते हैं कैप्चा और देखें पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लोकल बॉडी में सामने देखना है, तो लिखा हुआ आएगा जनपद पंचायत, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि FPS कोड आपको सामने दिखाई देगा, FPS नाम दिखाई देगा। तो दोस्तों आप यहाँ अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा है FPS कोड, तो आपको अपने गाँव के सामने वाला जो कोड है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, तो आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर लें। अगर आप सदस्य देखना चाहते हैं कि हमारे सदस्य राशन कार्ड में कितने हैं, तो आपको फैमिली आईडी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सदस्य आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने सदस्य देख सकते हैं कि हमारे राशन कार्ड में कितने सदस्य ऐड हैं, या फिर अगर आप जुड़वाना चाहते हैं तो जुड़वा भी सकते हैं। आप इसमें चेक कर लें कि हमें किसका नाम जुड़वाना है या नहीं जुड़वाना है। तो अब आप समझ ही चुके हैं कि हमें किस प्रकार लिस्ट डाउनलोड करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।